तो ये तीसरा वीडियो होगा इस सीरीज का, फिल्म मेकिंग फॉर म्यूजिशियंस। और यस, हम कैमरे पे अपग्रेड कर जाएंगे इसमें मोबाइल फोन से, बट आई थिंक उससे पहले कैमरे पे सब अच्छा दिखे, सेटअप होगा, सब कुछ होगा, बट आदमी को दाढ़ी बना ले, वो अपना ड्रेसअप सब सही कर ले, चलो वो कर लेते। सलून का नाम है हेयर स्टूडियो और ये है बड़ो वाला नियर प्रेम नगर देहरादून। ठीक हो गया? सब हो गया यहाँ का काम, चलो फिर चलें। ओके गाइस, हम वापस आ पहुंचे हैं अपने घर, थोड़ा नहाया धोया जाए और तैयार हुआ जाए। ओके गाइस, तो हमने नहा धो के तैयार होके सेटअप यहाँ पे घर के पास ही लगा लिया है। सिचुएशन ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि ज्यादा घर वर ना दिखे, ऐसा लगे कि यू नो कहीं जंगल वीराना बहुत सब कुछ पहाड़ पर्वत सब पार करके गए हैं कहीं म्यूजिक वीडियो रील बनाने के लिए। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आप लोगों को बाथरूम ले जा पाया और मैंने आपको अपना जो है साबुन और शैम्पू और वो सब ब्रांड्स नहीं दिखाए। तो मैंने यहाँ पे फोन अपना सेटअप कर लिया है, उस पर मैं गाना प्ले करूंगा, एक जो वर्स जो कि हम शूट करने वाले हैं, और हम ट्राई करेंगे सिंक करने का। ये कैमरे को जो है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, उसकी जगह पे वर्टिकल कर लेगा। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सीखना पड़ेगा कि अगर आप बाहर शूट कर रहे हो, जैसा भी आपका माहौल है उसके हिसाब से आपको ISO कितना रखना है कैमरे का, शटर स्पीड कितना रखना है और वो क्या कैसे होगा, और जो भी आपका लेंस है उसके हिसाब से उसका अपर्चर वगैरह ये सब कैसे सेटअप करना है, और आप कौन सा कलर प्रोफाइल पिक्चर प्रोफाइल वगैरह में शूट करना चाह रहे हो, ताकि वो जो चीज है फिर आपको उसके हिसाब से जो एक्सपोजर वगैरह का बैलेंस सेट करना पड़ेगा, और वही जो है फिर आप कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग में जा करके उसको आप इवॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कैमरा कर लिया जाए वर्टिकल। ठीक है, हमारे पीछे गोबर भी है बट हम उसे ब्लरीनेस में गायब कर देंगे। एनीवेज शोबिया माय बोलेगा आमी करबो सब शुद्ध तुमि आमार तुमार करे ना। ठीक है, आसमान अगर सही आ रहा है तो आई थिंक बिना कीज प्ले किए भी हम ऐसा एक शॉट ले सकते हैं, है ना, जिसमें मतलब थोड़ा एक्सप्रेशन का ही खेल ज्यादा हो। ठीक है, पसीना भी पसीना छोटो जीवन आमी तुम्हारी नामे कोरे छी आमी कोरबो सबी शुद्ध तुमी आमार। तभी हमारे पास कितने एंगल हो गए लगभग? तीन तीन, एक थोड़ा इस साइड से, एक थोड़ा लगभग ऐसे वाला, और एक अपस्टेयर, हाँ। और हमने एक बार ये कीबोर्ड ऐसा साइड लगा के ये एंगल लिया, एक इस साइड से लगा के एक एंगल लिया। और क्या ले सकते हैं एंगल वाइज, मतलब ऊपर से लेके ऐसे? हाँ शायद हो सकता है ये भी एक ऑप्शन, मतलब सही है, मतलब ये भी एक अलग तरीके का एंगल है। ठीक है, तो पर उसमें देखो हॉरिजॉन्टल करके वर्टिकल करके, तो मतलब फिर थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। ये तो नहीं आ रहा फोन? छोटो जीवन आमी तुम्हारी नामे कोरेछी आमी कोरबो सबी शुधु तुमी आमार। तो शूट खत्म हो गया है और अब ये भारी भरकम सामान जो है इसे वापस लेके जाने की बारी है। हाँ, ये वाकई में बहुत भारी है, इसी चक्कर में हमने सोचा कि यू नो कम से कम मूवमेंट किया जाए। चलो लेट्स गो। दरवाजा नंबर एक, दरवाजा नंबर दो। ओके, सो जितना भी फुटेज था हमारा रील के फॉर्मेट वाला, वो हमने यहाँ पे सारा एक फोल्डर में इकट्ठा कर लिया है।
ऑल्सो मैंने जो गाने का जो मिक्स है उसे भी यहाँ पे डाल लिया है। आज जो है जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है डाविंची रिजॉल्व। इंडीड इसका एक फ्री वर्जन भी है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। सॉफ्टवेयर के अंदर की सेटिंग्स की बहुत ज्यादा बारीक चीजों पे नहीं जाएंगे, बट आपको कुछ कुछ चीजें मैं ऐसा बताता चलूंगा कि हाँ, जो आप यू नो इंटरनेट पे बाकी और जगह पे ढूंढ के और डिटेल्स में आप पता कर सकते हो, जैसे कि डाविंची का शॉर्टकट सेटअप करना हुआ या उसको और इस तरीके से सेटअप करना हुआ कि आपका सिस्टम पे जो कलर्स और बाकी सारी चीजें हैं वो प्रॉपर दिखे। बट ये एक बहुत ही अच्छा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, चाहे आप विंडोज पे हो चाहे आप मैक पे हो, वर्कफ्लो बनाने के लिए और इस तरीके से। और हम देखते हैं कि कैसे जो है हमने जो भी अपना अभी तक जो प्रोसेस किया है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है प्रोसेस, बट कैसे जो है हम अपना जो ऑडियो को वीडियो को प्रॉपरली कट करके और अलग अलग जो फ्रेम्स है उनको अच्छे से सेट करके फिर थोड़ा बहुत कलर वलर करके एकदम टाइट सा एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, सो हियर वी गो। मैं एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, एक नया वर्जन आ गया है, फिलहाल के लिए इसे स्किप कर देते हैं। एंड मैं ये जितना भी मीडिया है मेरा सारा का सारा ऐसे करके या तो यहाँ पे जाके नोटुन गान रील 3 यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। ये एक मेरा प्रॉपर बिन सा बन के आ गया। ऑब्वियस सी बात है, इस सॉफ्टवेयर को सीखना अपने आप में एक अलग कारीगरी होगी, बट एक जो प्रोसेस है उसको आप अगर समझ लें तो बाकी चीजें तो आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब जो है मुझे रील बनाना है बेसिकली, तो उसके हिसाब से मैं अगर यहाँ चाहे तो रेंज वाले आइकन पे चले जाऊं और यहाँ से जाकर के अपनी जो टाइमलाइन है उसकी सेटिंग वगैरह ऐसे कर लूं कि मेरे को वर्टिकल बनाना है और कलर मैनेजमेंट वगैरह एक बार मैं चेक कर लूं कि क्या है नहीं है, ये सब चीजें आपको थोड़ी सी सीखनी समझनी पड़ेंगी इसमें, क्योंकि बड़ा क्रूशियल मुद्दा है। या तो मैं वहां से चेंजेस कर लूं जो मेजर है, या तो जो अपना बेसिक उस तरीके की जो चीजें हैं वो ठीक ही हैं उसे रहने देते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर का सेटअप अपनी जगह पे और टाइमलाइन का एक अलग जो सेटअप है वो हम कर लेते हैं। राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे नया टाइमलाइन बना लेता हूँ। प्रोजेक्ट सेटिंग की जगह पे मैं कहता हूँ कि यार मेरे को ना वर्टिकल उसमें दो। 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे हम शूट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, जो स्लो मोशन होगा हो सकता है 50 FPS पे 100 FPS पे शूट किया होगा, बट ऑब्वियस सी बात है फाइनल जो हम आउटपुट बना रहे हैं बिकॉज हम लोग इंडिया में और पैल रीजन में, तो 25 FPS का प्रोजेक्ट बना करके काम कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके पीछे की बहुत सारी और टेक्निकल बातचीत हो सकती है, वो आई थिंक फिलहाल हमारे कॉन्टेक्स्ट का नहीं। मैं ये जो ऑडियो है इसे मैं इंपोर्ट कर लूंगा और मैं ये सुन लेता हूँ कि अपना जो हमने गाना वो किया था जैसे वो है। ठीक है, तो ये लगभग कहीं यहाँ से है, ये जो ठीक है। मैं ऑडियो को निकाल लेता हूँ और उसके बाद मुझे पता है मुझे लगभग इस बारी तो यहाँ से बनाना है ये रील, तो मैं ये सारा का सारा यहाँ से कट कर देता हूँ। आपने देखा मैंने एक शॉर्ट कमांड का इस्तेमाल किया जिससे ये सारा ट्रिम हो गया। बाकी फिलहाल इसको थोड़ा सा पीछे ले सकता हूँ मैं, एंड आई कैन सी कि ऑलमोस्ट 1.5 मिनट के अंदर अंदर शायद हम इसे कम्प्लीट कर पाएंगे। लगभग कहीं यहाँ से शुरू कर सकते हैं ताकि जो हमारा टेल जो है वो 1.5 मिनट से पहले खत्म हो जाए, प्रॉपर तरीके से हम फिनिश ऑफ कर पाए एंड गुड बाइज एंड एवरीथिंग लिख। ठीक है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला बात है, मैं जरा सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। एंड ऑन टॉप ऑफ इट अब मुझे चाहिए कि ये मैंने ऑडियो ले लिया है, सारा का सारा जो हमारा वीडियो फुटेज है उसको मैं साथ में रखूँ यहाँ पे। ठीक, इधर आ गया ये। ठीक है, ग्रेट। अब एक बार ये हमारा बन जाए तो इसके बाद जो मेन मुद्दा है वो है कि यहाँ सारा सिलेक्ट करेंगे। कोशिश करता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज अगर हो जाता है, तो नहीं होता है तो फिर अगला स्टेप देखेंगे अगर मार्कर्स वगैरह लगा के। ठीक है, राइट क्लिक एंड ऑटो अलाइन क्लिप्स बेस्ड ऑन वेव फॉर्म यूज ट्रैक नंबर 1 सिंक्रोनाइज। ठीक है, एक कोई ट्रैक है जो सिंक नहीं हो पाया, बाकी हो गए। ठीक है, तो देख लेते हैं इन सब का जो है मैं ऑडियो म्यूट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि सारा शॉट सिंक्रोनाइज तो हो ही गया है यहाँ पे, इसके बाद में व्हाट आई कैन डू ये सारा अनलिंक, मतलब ये लिंक वाला बटन को क्लिक करूँ, ये सारा का सारा बाकी ऑडियो जो है इसे हटा दूँ, इस सोलो को हटा दूँ, राइट क्लिक डिलीट एम्प्टी ट्रैक्स। देखो एकदम मस्त ये टाइट हो गया है। ठीक है, अब मैं क्योंकि हमने ये सोचा है कि हम यहाँ से कहीं बनाना शुरू करेंगे हम प्रोजेक्ट को, तो यहाँ सारा बराबर ट्रिम कर सकते हैं चाहे तो, सब एकदम सिंक्रोनाइज्ड तरीके से हो जाता है। एनीवेज, ये होने के बाद में मैं ये सारा ये देखो खटाक से एकदम बढ़िया सब कुछ सही चल रहा है।
तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा और सॉफ्टवेयर के अंदर में ज्यादा मैंगल करना पड़ेगा, बट अदर देन दैट बाकी जो प्रोसेस है इट शुड बी सिंपल। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन सा शॉट कहाँ पे अच्छा लगता है, उस हिसाब से उठाएंगे। ये देखो मुझे कहीं यहाँ से लेना है ना गाना शुरू करना। ओके, क्यू, सब कुछ कट गया, यहाँ से उठेगा मेरा गाना एंड यहाँ जाके खत्म होगा, तब तक होगा 1:28 हमारे पास में। ठीक है, सब बहुत सारी छोटी मोटी प्लानिंग्स है जो पहले ही कर लेनी चाहिए कि यू नो यू डोंट रन इनटू लाइक कैसा बेकार का इश्यूज। इसे थोड़ा सा मैं ऐसा लगा लेता हूँ फेड इन। ठीक है, और देखें और देखें एंड और देखें जाता। I find this good actually to start. ठीक है, so what is gonna happen is ये सारा मैं कर रहा हूँ बंद फिलहाल and ये कुछ ऐसे आएगा हल्का सा from the darkness, या तो ऐसे या तो मैं सारा ट्रैक्स को थोड़ा सा खोल लूं ताकि सब चीजें मेरे को दिखने लगे। ये कुछ ऐसा, ये थोड़ा लेट हो रहा है और थोड़ा सा एक्चुअली आप कई बार ब्लैक फ्रेम रखना भी नहीं चाहते हो स्टार्ट में। ठीक, अब मैं देखता हूँ बी रोल में से अगर मैं कुछ ऐसा लगा के, ठीक है मे बी शायद देखते हैं यहाँ से कुछ निकलता है अगर इनपुट आउटपुट एंड ड्रैग जस्ट द वीडियो पार्ट। ठीक है, ठीक है, बढ़िया एंड विद दैट थिंग मैं एक काम करता हूँ, ये फेड इन को भी इतना वो नहीं रखता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। एंड यहां पे एक बढ़िया सा क्रॉस फेड लगा दिया जाए। ठीक है, अद्भुत सैंगल है, थोड़ा राम गोपाल वर्मा जैसा वाला, बट विद दैट थिंग जस्ट अभी हमें मेजरली कट्स लगाने हैं। तुमार जातो चावा पावा सभी आमाय बोले। ठीक है, सो वे गाना फास्ट फॉरवर्ड दिस एडिटिंग का कट कट करके लगाने वाला प्रोसेस और फिर कलर ग्रेडिंग वाले प्रोसेस पे मिलते हैं। तो जैसे ही हमारा ये बेसिक काम हो जाता है एक बारी यहाँ पे यू कैन सी कि हमने ये ट्रांजिशन लगाया सारा, कुछ एक आठ बी रोल्स लगाए और ये कट्स लगे हैं अलग अलग शॉट्स के बीच में, यू नो चीजें होते हुए आई वुड लाइक टू सी कि यू नो ये एकदम आप देख रहे हो कैसा कलरलेस है बिल्कुल इस तरीके से, जस्ट एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ यू नो ओवरऑल मतलब शॉट्स के ऊपर में, क्योंकि लॉग में शूट हो रखा है तो एक कन्वर्ट अगर कर दें इनको तो कैसा लगता है, उससे हमें बेसिक और कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा तो वो भी पता चल जाएगा, जबकि शूट के टाइम पे ही बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। बट अभी उसी की हमारा जो कैमरामैन भी है वो भी बहुत ज्यादा पुख्ता नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं इस रिसोर्स में, तो उसके मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजों को थोड़ा पोस्ट में और ज्यादा हैंडल करना पड़ता है। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, इसको लगाते हैं, इसको लगाते हैं, आपको ग्रेजुअली और भी पता चलेगा कि क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं। एस लॉग में शूट हुआ है ये और ये हमारा जो सेटिंग है और फाइनल जो हमें आउटपुट देखना है वो इस फॉर्मेट में देखना है एंड आफ्टर दैट यू कैन सी कि एकदम पूरा अचानक से बिल्कुल सब कुछ रंग आ गया हर चीज़ का। मैं फुल स्क्रीन करूँ अगर इसको एंड वी कैन हैव अ लुक कि कैसा दिख रहा है चीज़ हमारा। सभी आमाय बोले दाओ।
আমি করব সবই সি উইদাউট দা কালার্স জাস্ট কনভার্ট কিয়া হ্যায় আর কুছ নেই কিয়া অভি তো কালার গ্রেড কুছ ওয়াসা কুছ নেই তুমি আমায় তোমার ক্যা থা ক্যা আ গয়া রাইট ইয়ে দেখ লেতে হ্যায় এক বার করে না এই ছোট জীবন আমি তো जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ये जो पसीना है ये थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, क्या ये ज्यादा दिक्कत करेगा नहीं करेगा, ये एक सोचने वाली बात है। Also, I think एक mistake रह गई थी, that is कैमरे का जो कलर टेम्परेचर है वो properly सेटअप नहीं किया गया था आउटडोर के हिसाब से, that is why ये जो कलर्स है ऐसा पीला पीला अजीब सा रखा है। तुम्हार कोरे ना एशो ना तुम्हार के आतोर कोरी दिए मोन प्रा शोने जा লিখেছি তোমার জন্যে নতুন গান, বসো না পাশে দেখি তোমায় ভরে মন প্রাণ, তোমার জন্যে লিখেছি শোনো একটি নতুন গান, একটি নতুন গান। ठीक है, आउट्रो के नाम पे हम जो है यहाँ पे अपना वो लगा देंगे, नाम वाम जो है ये सब चीजें चिपका देंगे। एंड बहुत सारा जर्क है अभी भी, बिकॉज दिस इज हाउ ही हैज शॉट इट। इसमें से काफी चीजें मैंने थोड़ी बहुत स्टेबलाइज करी हैं अननेसेसरी, जबकि हमारा कैमरा जो है वो भी अच्छा खासा स्टेबल कैमरा है, उसके बावजूद भी कैमरा मैन की गलती है। एंड तो ये देखो एकदम हिलता हुआ सा, बड़ा अजीब खराब सा लगता है वो शॉट। तो ऐसे कुछ चीजें करी गई हैं इसको थोड़ा सा, मे बी शायद ये भी ट्रांसलेशन या किसी पे स्टेबलाइज करेंगे तो ठीक है। सिमिलरिटी पे देखते हैं, लास्ट वाला थोड़ा झटका लग गया, दैट वाज बेटर एक्चुअली। इस पे देख लेते हैं, तो खैर रहने देते हैं ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, जस्ट टू हाइड इट, बल्कि एक ये शॉट लगा देता हूँ। ट्राई कर रहा हूँ मैं ऐसा कि सिंक्ड लगे वो देखने में, राइट ठीक है, ऐसा पता नहीं चलना चाहिए व्यूअर को कि आपने जाली बना किया है कुछ। चलो ये हो गया सॉर्टेड, थोड़ा सा स्पीड हल्का सा कम कर देते हैं, अच्छे समवेयर शायद इतना। एंड हम ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे जाके रीटाइमिंग जो है, क्योंकि हमने 25 FPS पे शूट किया है, तो यू नो ये बस बढ़िया एकदम सही जुगाड़ हो गया है। कमांड जेड, इसको हटाएं, यप डन है ठीक है। तो ये सारा चीज एक बार ये हमारा सॉर्ट हो जाए तो मोस्टली ये है कि फालतू का ज़्यादा ट्रांजिशंस वगैरह ना हो, प्रॉपर बीट टू बीट कट हो आपका इस तरीके से, वो थोड़ा अच्छा लगे। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट कि कलर में हमें क्या करना है। ठीक, टाइमलाइन पे चलते हैं। इस वाले जो कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म हमने डाला, इसे तो हम कर देते हैं खैर ख़त्म, नॉर्मल ऐसा कुछ रखना चाहे तो रख सकते हैं, बट ये हम क्लिप के बेसिस पे ही करेंगे। बट एक हमें हीरो क्लिप लेना पड़ेगा पहले, जिसको हम समझते हैं कि ज़्यादा क्रूशियल है, जहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपरली थोड़ी दिख रही हो। ओके, एंड इसको ले लेते हैं चाहे तो, एंड देन ऑब्वियसली थोड़ा सा कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म करें पहले, एंड
ठीक है, डन हो गया. एंड फॉर दिस आई थिंक अगर हम यहाँ देखें लगभग ठीक ही लग रहा है वेव फॉर्म में. क्या हम थोड़ा सा गैमा ट्रिम करके ले जा सकते हैं? ना, आई डोंट थिंक ये अच्छा लग रहा है ऐसे में. तो जो भी हमें कंट्रोल करना है इसके बाद कंट्रोल करना है, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म होने के बाद. इस नोट के ऊपर में हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो मैं अपने एडिटर को बता बता के भी थक गया हूँ. एनीवेज तो अब इसके साथ में ये देख रहे हो थोड़ा सा, यू नो, ये जो स्किन का कलर है ये थोड़ा सा ऑफ द ग्रिड है हमारा. और जैसे ही आप थोड़ा और सैचुरेशन वगैरह इस्तेमाल करोगे और ज़्यादा, तो और थोड़ा सा प्रोमिनेंटली पता चलेगा. बट हल्का सा मैं यहाँ पे ये करता हूँ एंड देन अपना जो टिंट है थोड़ा इधर मूव करता हूँ, मे बी हल्का, या लाइक दिस. और वाइट थोड़ा सा ऐसा रख लेता हूँ, या समवॉट लाइक दिस. यप, तो ये सी विदाउट दिस विद दिस बेहतर. ठीक, ये यहाँ पे भी स्किन टोन वाली जो लाइन है हमारी वो उसके साथ में भी थोड़ा सा और बेहतर प्रॉपर अलाइन होना चाहिए. नेक्स्ट वुड बी कि मे बी मैं इसके तरफ कहीं फोकस लाना चाहूँ या बाकी और कुछ चीज़ें हैं जो मैं करना चाहूँ. मैं स्काई को थोड़ा सा ट्रीट करना चाहूँ, कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं ये मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ. मैं एक थोड़ा सा कहीं से एक आइडिया चुराता हूँ कलर थीम का, एंड मे बी दिस वन और मे बी ये काफ़ी कलर ऐसी बेहतरीन सा हमारा जो है ग्रेड और थोड़ा सुंदर हो गया इससे. एंड डिपेंडिंग ऑन द सॉन्ग मैं जो है ये चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ. और इसको मैं इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करूँ, अगर जस्ट अ टेड बिट. ये ओवरऑल मेरा कलर्स को और सब चीज़ों को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प कर देता है. यू सी आई थिंक दिस लुक्स गुड. यप, एंड अगर हमें थोड़ा सा स्किन को और थोड़ा वो करना है तो हम देख सकते हैं इनकेस, यू नो, अगर हाइलाइट्स थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं, जल रही हैं, इन दैट केस मैं इससे पहले एक नोड एडजस्ट करता हूँ एंड उस पे कर्व्स लेकर के आई वुड लाइक टू गो एंड सी यू सी थोड़ा सा ये और बेहतर जो है मेरा टोन कंट्रोल हो गया है. नाउ इस वाले में जा कर के जिसमें हमने सारा टिंट विंट सब शिफ्ट किया है, थोड़ा सा वापस चेंज कर देते हैं. या बिकॉज हमारा जो एलयूटी वाला लेयर है इसने काफ़ी मेजर चेंजेस करे हैं हमारे टोन्स के साथ में. तो यू सी ये था हमारे पास में शॉट, बिल्कुल ही कलरहीन. और ये हमें कुछ मिलता है थोड़ा सिनेमैटिक पिक्चर टाइप का तो है ही, ये साथ में लीगल रूल्स के अंदर भी हम प्ले कर रहे हैं. एनीवेज इसके साथ में आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि ये है थोड़ा सा प्रोसेस समझने लायक लंबा. अब मैं यहाँ चलता हूँ, इसमें से ये वाला नोट जो है यहाँ पर मुझे आई थिंक थोड़ा शेडोज लिफ्ट करना चाहिए. यप बेटा, ठीक है, जिस तरीके से लिट हुआ है. नाउ यू विल सी दिस शॉट काफ़ी कंसिस्टेंट शॉट्स हैं. ठीक है, नाउ यही है एक एक्सपर्टाइज जनरेट करने वाला बात इसमें, इस वाले को, कि आप किस तरीके से ट्री नोड वाला जो है बनाएंगे कि आपको कम से कम मेहनत करके बेहतर रिजल्ट्स जो है वो मिल पाए. अगेन लाइक दिस इज लाइक अ म्यूजिशियन जो है वो वीडियो वाला काम कर रहा था, ही वॉन्ट्स इट टू गेट डन लाइक सुपर फास्ट, फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए एट द सेम टाइम, राइट. ठीक, ये शॉट्स एकदम लग रहा है एकदम सेम जगह का है एंड बेहतरीन टाइप के ये ऑप्शंस आपको मिले.
ठीक है। अब इसमें से मुझे एक जो चीज़ करनी है, दैट वुड बी यू नो बिकॉज बहुत सारा कूड़ा करकट भी पड़ा है एंड इट माइट समटाइम्स आई माइट समटाइम्स नॉट नो कि भाई फालतू के कुछ शॉर्ट्स को मैं ज़बरदस्ती का कलर ग्रेड करने लग जाऊँ और टाइम अपना ख़राब करूँ, तो एडिटिंग पे आके ये जो फालतू का जो शॉर्ट्स है जो हमारा यूज़ नहीं हो रहा है उन्हें हम हटा दें, ठीक है, लाइक दिस। संभल के जो जो टॉप मोस्ट लेयर है ऑब्वियसली वही दिख रहा है हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, एंड दैट्स इट। मैं चाहूँ तो इनको सिंगल लेयर या डबल लेयर के हिसाब से यू नो वो प्रॉपरली और अच्छे से आ जाए, वो वाला चीज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट रहने देते हैं फिलहाल के लिए, लेट्स मूव अहेड। अब ये आ गया, इस पे भी चलेंगे, इस वाले को रीसेट करते हैं, यस थोड़ा सा ये चलेगा, मे बी थोड़ा सा शैडोज में लिफ्ट करूं, आमी कोर बोश सी कंसिस्टेंसी ऑफ द कलर। एक जो चीज शायद मैंने नहीं करी है ऑन टू ऑल ऑफ दिस लेयर्स इज एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ शार्पनिंग, जो मेरे ख्याल से मैं फटाक से कर देता हूँ बिकॉज ये हमने लॉग में शूट किया है और यू नो जो हमने प्रोफाइल ऐसा सेट किया है कि उसमें हम कैमरा से शार्पनेस जो है वो नहीं लेने की कोशिश करते हैं, सुपर शार्प जस्ट अ टेड बिट समवेयर अराउंड हियर, इसी आंखें एकदम अलग से पॉप हो जाएंगी आपकी। कॉपी दिस पेस्ट दिस कमांड जेड पेस्ट दिस, ठीक है डन है, एंड सेम थिंग एंड पेस्ट एंड सेम थिंग पेस्ट, ओके थोड़ा सा हल्का सा फर्क है और इससे गेम आपका जो है एकदम बेहतरीन चेंज हो जाता है कई बारी, जस्ट विद दिस मच ऑफ चेंज, ठीक है। ये हुआ एक हुआ आइडिया, दूसरा हुआ सॉफ्टवेयर को नेविगेट करना, दोनों थोड़ा है तो अलग खेल। राइट क्लिक ग्रैब अ स्टिल, क्योंकि अब इस वाला जो स्टिल है इसमें आपका वो भी है जो शार्पनिंग वाला इफेक्ट जो हमने ऐड किया है वो भी है। Now with this, इसे हटाओ, grab a still, now, yeah, now it comes with the sharpening effect, ठीक है, anyways, इसे हटाओ, इसे apply करो, so मैंने कुछ shortcuts map कर रखे हैं ऐसी चीज़ों के लिए, and coming here, and थोड़ा सा कैसा लगना चाहिए ये, ठीक है राइट राइट देयर, सेम थिंग सेम प्रॉब्लम यहां पे भी है, जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ, ठीक है। तो ये कलर कंसिस्टेंसी मैं मैच कर लेता हूं उसके बाद मिलते हैं। तो कलराइज हमने कर लिया है फुटेज को और जहाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ट्रांजिशंस लगाना था, मेजरली तो अगर आप बहुत अच्छे से बीट टू बीट प्रॉपर तरीके से कट कर पाते हो तो उसी से एक अपने आप यू नो मोशन और इम्पैक्ट आता है, ऑल्सो फेस एक्सप्रेशन कहाँ पे क्या रखा है वो कितना ज्यादा हमारे गाने के फ्लो के साथ में जा रहा है वो सब ध्यान रख करके किया गया है। कहीं कहीं पे हमने ऑब्वियसली बात है इनको थोड़ा सा स्टेबिलाइज भी किया है, किसी किसी क्लिप पे हमने थोड़ा सा डायनामिक जूम का भी इस्तेमाल किया है, अपार्ट फ्रॉम के ऑलरेडी हैंड हेल्ड था कैमरा तो थोड़ा बहुत मूवमेंट तो था ही, जहाँ पे फालतू एक्स्ट्रा मूवमेंट था उसको थोड़ा सा और स्मूदन करने के लिए यू नो कुछ शॉट्स थोड़े से एंगल अच्छा था बट स्टेबिलिटी अच्छी नहीं थी तो उसको थोड़ा सा सुलझाया गया, थोड़ा रिजॉल्व किया है इस वाले मसले को, और आखिर में आते हुए हमने ये किया है कि यू सी एक ये
नाम वाला जो मसला है ये हमने कर दिया। तो आप डेफिनेटली पूरा का पूरा रील जो है उसको इंस्टाग्राम पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो @music with Arijit, मेरे को वहाँ पे फॉलो करना ना भूले। एंड इसके बाद में आता है कि हमें जो है ये एक्सपोर्ट करना है, राइट। एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने कुछ सिंपलिस्टिक प्रीसेट टाइप का बनाया हुआ है, बट मोटा मोटा आप ये समझें कि ये सारी सेटिंग ऐसी रहेगी क्विक टाइम की जगह पे हम, ताकि ये हर एक डिवाइस पे कंपैटिबल हो। वैसे तो कोई इतना मसला नहीं है, बट फिलहाल MP4 होगा तो एंड्रॉयड फ़ोन पे भी ले सकता हूँ मैं इसको। H.264 इज़ फाइन, वर्टिकल रिजोल्यूशन 1080p बाई दिस, ये सब ठीक है। बाकी एनकोडिंग एंड ये सारी चीज़ें सारा ये जो है ठीक है। नाउ लेट्स गो टू आवर ऑडियो टैब, ठीक। और इस तरीके से यहाँ पे भी जो सेटिंग्स है वो भी ठीक है, फाइल वगैरह ये सब कुछ ठीक। ओके, आई थिंक ये हमारा काम चल जाएगा इससे। आई वुड से कि ये 1080p पे कर रहे हैं तो इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं डेटा रेट को समवेयर 12,000-15,000 के आसपास में। फाइल साइज भी जो है ठीक ठाक मिलेगा, एज वेल एज यू नो उसका डिटेल्स भी अच्छी रहेंगी इसमें। बहुत ज़्यादा बड़ा फाइल साइज होकर के हमारा जो है दिक्कत नहीं आएगी स्टोर करने में। नाउ लेट मी बम्प इट टू डेस्कटॉप, और ये हुआ। और इसके बाद में ठीक है, जो भी मेरा नाम है वो मैंने लिख दिया, ऐड टू रेंडर क्यू किया एंड रेंडर ऑल। सो यू सी अभी ये रेंडर होने लग गया है, हमको एक जो है फाइल जो है वो मिल जाएगा। मेरा बाल खराब हो रहा है क्या यार। ओके, एनीवेज समय हो रहा है रात का 1:30 बज रहा है इस समय, और ये तीसरा चौथा दिन होगा शायद ये, उसके बाद से टाइम नहीं मिला था इस सेशन को हमने कैसे कैसे करके अभी कंप्लीट हुआ है, अभी एडिट होगा। एंड द थिंग इज कि हर संडे को मैंने ये प्लान किया है कि एक 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 आपको थोड़ा सा ऐसा स्टेप बाय स्टेप नया नया चीज जो है वो मिलता जाए। फिल्म मेकिंग फॉर म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, आई होप कि ये जो सीजन है ये आपको एक अच्छा खासा इनसाइट देगा कि वर्क फ्लो को कैसे फास्ट करना है, क्या क्या वो जरूरी चीजें हैं। अगर वीडियो एडिटिंग की बात करो या वीडियो शूट है, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है या आपको सीखना है। बाकी वीडियो ट्यूटोरियल वाले जगह पे जाकर के भी अगर आपको सर्च करना पड़े तो क्या वो चीजें हैं जो आपको सर्च करना है। एंड क्रूशियल बात ये होगी कि आप देखना ये जब हम रेंडर निकालेंगे और इंस्टाग्राम पे भी जाएगा या यूट्यूब पे कहीं पे भी आप जाते हो, देखते हो कि जो हमारा फाइनल जो आउटपुट है वो वैसा ही मस्त सुनाई देता है जैसा हमारे डॉ में सुनाई दे रहा होता है, जैसे यू नो स्टूडियो में सुनाई दे रहा होता है, वैसा ही जब एक्सपोर्ट करके इवन वीडियो के पीछे लगा करके भी हम एक्सपोर्ट कर देते हैं तो भी ये एकदम परफेक्ट साउंड करता है, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे इंस्टाग्राम पे हो कहीं पे भी, विदाउट कि वहां पे जो कंप्रेशन जो एल्गोरिदम है वो अप्लाई कर रहा है उसके बावजूद भी। तुमार जातो चावा पावा सभी आमाय बोले दा, आमी कोरबो सभी शुधु तुमी आमाय तुमार कोरे ना। ছোট জীবন আমি তোমারই নামে করেছি, আমি করব সবই শুধু তুমি আমায় তোমার করে না। এসো না তোমাকে আতর করি দিয়ে মন প্রাণ, শোনে যা লিখেছি তোমার জন্যে নতুন গান, বসো না পাশে দেখি তোমায় ভরে মন প্রাণ, তোমার জন্যে লিখেছি শোনো একটি নতুন গান। तो पहला बात तो ये है कि यहाँ पे हमने जो हाई क्वालिटी वेव फाइल लिया था, फिर हमने उसको कैसे एडिट किया, फिर एक्सपोर्ट किया, ये सारी बातें तो हैं। बट इससे भी एक स्टेप वाला जो बात आता है जो म्यूजिशियंस को समझनी चाहिए, वो है कि आपका गाना किसी भी कंप्रेशन के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू तभी अच्छा साउंड कर सकता है जब वो एक्चुअली में बहुत अच्छा बना हो। यानी कि प्रोडक्शन के टाइम पे आपका जो साउंड डिजाइन, साउंड अरेंजमेंट और ये सब चीजें, जो सैंपल्स आप इस्तेमाल कर रहे हो प्रॉपर आपने किया नहीं किया है, ये सारी चीजें आपकी ठीक है कि नहीं है, वोकल अरेंजमेंट और ये सब अच्छा है नहीं है आपका, फिर मिक्सिंग मास्टरिंग ये जो चीजें हैं ये बहुत अच्छे से आपने करी है कि नहीं है, कि आपका फ्रीक्वेंसीज है जो
प्रॉपर जगह पे है, लॉक्ड है, डायनामिक्स जो है प्रॉपरली मैनेज्ड है। तो इस तरीके से होगा क्या कि आपका गाना जब आप डालोगे तो आपको लगेगा कि यार पिक्चर के गाने के साथ में भी वो कम्पीट कर पा रहा है। एंड बाय द वे, इफ यू आर समवन हु इज लाइक रियली रियली इंटरेस्टेड ये सारा प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप म्यूजिक प्रोडक्शन से लेके मिक्सिंग मास्टरिंग विद वेरियस एग्जाम्पल सारी चीजें हम कवर करते हैं, ऐसा कोई जरूरी चीज नहीं है जो आपको पता होना चाहिए, ये बात समझिए, आपको पता होना चाहिए। एक ये है कि कोर्स में कुछ कुछ भी लिख दिया है, एक बात ये है कि आपको क्या पता होना चाहिए, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको नहीं बताया जाएगा इन द 3 months म्यूजिक प्रोडक्शन मिक्सिंग मास्टरिंग वाला जो हमारा करिकुलम होता है उसमें, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो अगला बैच है उसके लिए अभी से रजिस्टर कर ले, लिमिटेड सीट्स होती हैं और उसको मिस ना करें। बाकी हमारा जो बेटर म्यूजिशियन एवरीडे का पोर्टल है वो अच्छा खासा बड़ा है, आपको जिस तरीके का सपोर्ट सिस्टम और कम्युनिटी मिलता है दैट्स लाइक इनसेन। जितने भी लोगों ने अभी तक सेशंस किए उनको वाकई में बहुत मजा आ गया। इसके अलावा बेटर म्यूजिशियन एवरीडे की वेबसाइट पे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है, एज वेल एज अगर आपको किसी कारण से पर्सनल सेशंस करना हो दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो इस बात के साथ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इंस्पायरिंग रहा होगा, आपके म्यूजिकल जर्नी में हेल्प करेगा, मैं अरिजीत शाह लेता हूं आपसे इजाजत। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मिशन टू बी अ बेटर म्यूजिशियन एवरीडे। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।